मैं जा रही हूँ होली की तैयारियां करने जल्दी जल्दी से। सो मैंने सोचा कि व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारी मेमोरीज होती हैं, जब मैं इन वीडियोस को इन व्लॉग्स को बाद में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे व्लॉग बनाना बेहद पसंद है। अभी होली की तैयारियां करने जा रही हूँ। कुछ तैयारी मैं आज करूंगी, कुछ तैयारियां मैं कल करूंगी एंड कल तक सारी तैयारियां खत्म कर लूंगी, सब कुछ कंप्लीट कर लूंगी। एंड आपको तो पता ही है कि मैं होली पर घर पर ही सब कुछ बनाती हूँ, गुजिया वगैरह मैं हमेशा घर पर बनाती हूँ। मैंने कभी मार्केट वाली गुजिया नहीं ली होली पर, मैं हमेशा खुद अपने हाथों से ही गुजिया बनाना प्रेफर करती हूँ। एंड उसके अलावा भी थोड़ा बहुत और भी चीज़ें बनाऊंगी, सो वो भी आप व्लॉग में देखोगे एंड इस व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ होममेड नमकीन। ये मेरे घर में हमेशा होता है, होली के ओकेजन पर नहीं, नॉर्मली भी मैं घर में इसे बनाती हूँ, बिकॉज ये मुझे सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन लगता है घर में। बाहर की नमकीन से ज़्यादा घर में बनाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ऑल्दो आप सभी लोगों को आता होगा, बट मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा चना उड़द दाल ऐड किया है, देन इसके बाद मैं करी पत्ता ऐड करूँगी उसको हल्का सा भूनने के बाद। थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी इसमें एंड इसके बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, मतलब जलने नहीं पाए हल्दी आपकी। एंड इसके बाद करी पत्ता और नमक ऐड करके हल्का सा इसको भूनूंगी। फिर मैं इसमें लैया यानी कि मुरमुरे ऐड करूंगी और उसमें हल्का सा पोहा, जो नॉर्मल पोहा हम बनाते हैं, वो ऐड कर दूंगी जिससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए। एंड इसको तब तक फ्राई करना है जब ये थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए, बस जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा स्लो फ्लेम पर ही करना है। और मेरी क्विक हेल्दी होममेड नमकीन रेडी हो गई है और अब मैं इसे कढ़ाई में से एक थाली में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। एंड देन इसके बाद इसको एक एयरटाइट कंटेनर में रख दूँगी जिसको कि आप आराम से काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ये काफ़ी बाज़ार की नमकीन से ज़्यादा हेल्दीस्ट ऑप्शन है अगर आप घर में कुछ बनाना चाहते हो। अब मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ, इसको भी मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है करीब एक कटोरी आटा और थोड़ा सा सूजी, आप आटे की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर, सौंफ का पाउडर डाला है। और अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से एक मीडियम थिन कंसिस्टेंसी का बैटर बना रही हूँ और इसको इतना घोल रही हूँ कि इसमें लम्ब्स ना पड़े, एक अच्छा सा स्मूथ बैटर क्रिएट कर रही हूँ मैं। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे। बैटर रेडी हो गया है, अब मैं इसको एक साइड में रख दूंगी और तब तक मैं चाशनी की तैयारी करूंगी। चाशनी बनाने जा रही हूँ मैं, सेम चाशनी बनाऊंगी जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, वैसी बनाऊंगी। पहले मेरा प्लान गाइज ये था कि मैं गुलाब जामुन ही बनाऊंगी, बट इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो मैंने सोचा जब चाशनी ही बनानी है तो फिर मालपुआ ट्राई करते हैं। इसमें भी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स डाल रही हूँ और एक नॉर्मल टाइप की चाशनी बना रही हूँ जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं सेम तरीके से। नजरिया सावरिया।
फिर मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। ये घी भी गाइस मैं घर पर ही बनाती हूँ, मैं कभी भी मार्केट वाला घी नहीं यूज़ करती हूँ। जो हम मलाई रखते जाते हैं ना उसके बाद घी बनाते हैं, सेम तरीके से मैं घर पे घी बनाती हूँ, मुझे कभी मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हाँ, ये घर का ही बना हुआ घी है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो घी को गर्म हो जाने देंगे, इसके बाद जो बैटर हमने बनाया था उसको इसमें इस तरह से डालेंगे कि ये फ्लैट शेप में बने, इस तरीके से जैसे आप मार्केट से आपने खाए हैं ना मालपुए, सेम शेप में ही ये बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हमें बनाना है, इसको फ्राई करना है एक साइड से, देन दूसरी साइड से फ्राई करना है और उसके बाद चाशनी में डुबा देना है। इस तरह से मैं धीरे धीरे करके सारे मालपुए बना लूँगी। एंड हाँ, चाशनी को थोड़ा सा गर्म ही रखना है, उसमें आप डुबाएंगे तभी ये अब्सॉर्ब करेगा अच्छे से, जैसे हम गुलाब जामुन को भी हल्की गर्म चाशनी में डुबाते हैं सेम तरीके से। सो ये मेरे सारे मालपुए बनके तैयार होंगे। इसके ऊपर मैंने पिस्ता कट करके डाले हैं एंड इसको आप आराम से 4-5 दिन स्टोर कर सकते हो, जैसे हम गुलाब जामुन 3-4 दिन स्टोर करके फ्रिज में खा लेते हैं सेम तरीके से। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। ये बहुत ही यम्मी जितना देखने में लग रहा है उतना ही ज़्यादा स्वाद में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिकॉज ये देसी घी से बना हुआ है। तो घी का जो टेस्ट आ रहा था वो तो मैं बताते बताते वॉइस ओवर करते करते मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। सो मालपुआ बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, जैसे गुलाब जामुन बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसको फ्राई होना, मतलब धीरे धीरे वो फ्राई हो ताकि वो अंदर से कच्चा ना रह जाए, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। देन मैंने यहाँ पर थोड़े से चिप्स एंड ये पापड़ तल के रख लिए हैं कि अब ये होली पे काम ही आएंगे। और आज है होलिका दहन का दिन, तो सबसे पहले मैंने लंच में कढ़ी चावल और ये बैंगन की सब्ज़ी और पूड़ी बना ली, बिकॉज आज थर्सडे भी है, थर्सडे को यूजुअली कढ़ी बनाती हूँ मैं। एंड लंच बना करके मैं फ्री हो गई हूँ ताकि मैं बाद में गुजिया की तैयारी कर सकूँ, क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड गुजिया की रेसिपी तो आपको मालूम ही होगी, हर घर में बनती है गुजिया, एंड यहाँ पर मैं गुजिया बना रही हूँ। गुजिया बनाने से पहले मैं उसका जो क्या बोलते हैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जो मटेरियल अंदर का होता है गुजिया के अंदर। तो सबसे पहले वो कोकोनट वगैरह एंड खोया एंड ये सारी चीज़ें सब घी में फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं गुजिया बनाने की तैयारी करूँगी। एंड गुजिया बनाना बहुत ही टायरिंग टास्क है गाइस, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है गुजिया बनाने में, और ख़ास करके जब आप अकेले बना रहे हो। तो मैं अकेले ही बनाती हूँ हमेशा हर साल, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है गुजिया बनाने के बाद। गुजिया बनाते वक्त तो नहीं लगती, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान लगती है, क्योंकि गुजिया बनाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, मतलब 2-3 घंटे में गुजिया बनती है, फिर 1-2 घंटे नमक पारे और बाकी चीज़ें जो आप बनाते हो होली के लिए, तो ये काफ़ी मतलब थका देने वाला काम हो जाता है। मैंने भी 3 बजे से सारी चीज़ें करना शुरू किया था और मुझे फ्री होते होते ऑलमोस्ट 7 या 8 बज गए थे, तो मतलब 4 से 5 घंटे तो आप मान के चलो, इतना टाइम तो लग ही जाता है प्रिपरेशन करने में, गुजिया बनाने में, उसको फ्राई करने में, एंड देन उसको ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर पर रखना वखना सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट स्टिल घर की गुजिया नहीं खाई तो क्या खाया, मतलब कि होली पर आप मार्केट वाली गुजिया में वो बात नहीं होती गाइस, लाने को तो आप ला सकते हो, नो ऑफेंस, बट मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें घर पर ही सारी चीज़ों को करना, प्रिपरेशन करना, सेलिब्रेट करना, उसके लिए चीज़ें बनाना, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 7 छोटी छोटी गुजिया बनाई, जो कि मैं हमेशा हर बार बनाती हूँ पूजा के लिए, और इनसे ही पूजा होगी, तो सबसे पहले इनको बना लिया है, देन इसके बाद हम गुजिया बनाएंगे। मुझे याद है गाइस, बचपन में हमेशा मैं अपनी मम्मी के साथ मिल करके उनकी गुजिया बनाने में हेल्प करती थी, एंड काफ़ी टाइम लग जाता था हम लोग को गुजिया बनाते बनाते, फिर भी मम्मी बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी। एंड आज गुजिया बनाते बनाते मुझे वो बात याद आ गई, मैं बस यही सोच रही थी कि कब वो टाइम बीत गया, कब मैं मतलब इतनी जल्दी बड़ी हो गई, हर चीज़ संभालने लग गई, खुद सारी चीज़ें करने लग गई, घर संभालने लग गई। मतलब कभी कभी लगता है कि जो काम मम्मी किया करती थी वही काम आज मैं कर रही हूँ। मतलब
कभी कभी ऐसा लगता है मैं ही मम्मी बन गई हूँ टू बी ऑनेस्ट. मतलब जो काम वो किया करती थी, घर संभालना एंड ये सारी चीज़ें, पता नहीं कैसे अब मैं वही सारे काम करने लगी हूँ. आई एम श्योर कि जितनी भी मैरिड गर्ल्स लेडीज़ होंगी वो इस चीज़ को समझ पा रही होंगी कि पता नहीं कब जिम्मेदारियाँ हमारे कंधों पर पड़ जाती हैं जो हम खुद भी नहीं समझ पाते. कहने का मतलब ये है कि फेस्टिवल्स पर ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स एंड ये सारी चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं वही हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं एंड वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता जाता है. मतलब जो चीज़ें हमने अपनी मम्मियों को करते हुए देखा आज वो हमारे बच्चे हमको करते हुए देख रहे हैं एंड इसी तरह से उनको हमारे ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड ये सारी चीज़ों का पता चलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है. क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना भी और उन्हें ये चीज़ें बताना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. एंड पर्सनली मुझे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना पसंद है. मतलब कि आपने मेरे व्लॉग्स में और मुझे देखा ही होगा कि मैं एक हर एक मोमेंट को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करती हूँ. बिकॉज आई बिलीव कि यार एक ही लाइफ है, अच्छे से इंजॉय करो. अच्छे से जो भी आपकी ज़िंदगी में भगवान ने खुशियाँ दी हैं उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करो और हमेशा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने आपको एक अच्छी लाइफ दी. मैं तो हमेशा इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ एंड हमेशा हर चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, हर एक सिचुएशन, हर एक एटमॉस्फेयर में अच्छे से अडेप्ट हो जाना, एडजस्ट हो जाना एंड खुशी खुशी ज़िंदगी बिताना, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. एंड बहुत ज़्यादा फिलॉसफी वाली बातें कर ली आज मैंने. हमेशा मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ किसी व्लॉग में सो मैं अब चुप हो जाती हूँ. आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोर कर लिया. सो या अब आप व्लॉग का मज़ा लो. नंबर टू बना हुआ है ये. मैं क्लास में करते था, नहीं ये तो नमक पड़ेगी तो पड़े चखाओ, खा के देखो कैसा बनना है. नहीं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा. अरे क्या खा रहे हो? खा क्या रहे हो ये तो बताओ. नमक पड़े इसको देखो, इसका वो तोड़ दिया, खा लिया, मुंह तोड़ दिया. नहीं कैसे बने ये, क्या होता है मुंह से बोलो. हाँ जी बताइए भैया. अरे फोन आ गया, इनको लेके क्यों आए, ये तो खुद ही आ जाता ना. अरे बोले कैसे जाऊंगा मैं कहा चलो पहुंचा. अच्छा ठीक है, थैंक यू. ठीक है आ जाओ, चलो करने आए हो क्या? लो हैप्पी होली तुम्हें मेरी तरफ से, पहले गुजिया खाओ. तो क्यों लेके आए तुम? मैं तो गुजिया ला रहा था, मिठास वाली. क्यों मेरी गुजिया नहीं पसंद है क्या? मिठास वाली गुजिया ला. अच्छा तुमने सोचा मैं भाभी ने बनाया नहीं होगा ना? नहीं मैंने ये भी, मैंने पिछली बार ऐसे में जल्दी जल्दी में चलाया था, कुछ लाया नहीं था. कोई बात नहीं, आराम से मैं क्या कुछ लेके जाऊंगा. चाचू खिलाओ बच्चों. मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट पहले से ले ली थी सुबह ही. हैप्पी होली बोलो चाचू को. हैप्पी होली तो बोल दो चाचू को. हैप्पी छोटी होली. लगा दो सबको. जी मामान जी. हैप्पी होली बोलो भगवान जी को. हैप्पी होली मामान जी. लगा नहीं उसके उनके सही से. थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस जरा सा, लिटिल बिट. बस बस आ जाओ, चलो हो गया, डन हो गया, सबको हो गया. इधर चलो सीधा.
धीरे धीरे आराम से। कहाँ जा रहे हो? वो टाटा ऑल्ट्रोस, मम्मा वही है ऑल्ट्रोस, देखा आपने? देख लिया। दूर से, दूर से बात करने की। कर लो दीपक, तुम भी बोल दो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आई एम रेडी फॉर होली। क्या करोगे पहले बताओ मुझे। खेलूंगा, अपनी गाड़ी में लगाऊंगा कलर। गाड़ी में कलर लगाओगे? नहीं, टीका। आपके चश्मे में लिखा क्या है? दबंग। दिखाओ मुझे, शोमी शोमी शोमी। दबंग, दबंग कौन होता है? दबंग कौन होता है? दबंग कबा। कैसी है? ओए ओए, हम लोग ऊपर नहीं बच्चे, बाहर करो, बाहर बाहर। घर के अंदर नहीं, घर के अंदर ही, जब नीचे चलेंगे तब। मेरे ऊपर नहीं करना, अभी यहाँ मत करो कुछ, जब नीचे चलेंगे ना तब, ठीक है?
गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट होली का व्लॉग एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग देख के बहुत मजा आया होगा जितना आपको व्लॉग में देखने में मजा आ रहा है बट उससे कहीं ज्यादा मजा कहीं ज्यादा मजा गाइज एक्चुअल में आया इस बार की होली में तो सच में मजा आ गया बिकॉज कोविड के चक्कर में दो साल से ढंग से होली किसी ने खेली नहीं थी तो इस बार फाइनली इतने टाइम के बाद अच्छे से होली खेली बिना किसी डर के हालांकि डर तो अभी भी लग रहा था गाइज टू बी ऑनेस्ट बट इस बार थोड़ा डर लोगों का शायद कम हो गया है या लोगों को कोविड के साथ जीने की आदत हो गई है सो हाँ होली का फेस्टिवल मैंने सच पूछिए तो यहीं आकर के मनाना सीखा इससे पहले मैं होली कभी इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करती थी इतने नीले पीले चेहरों के साथ मैंने शादी के बाद ही सीखा शादी से पहले मैं बिल्कुल होली नहीं खेलती थी और सबसे ज़्यादा मज़ा आया होली पर अनवित को बिकॉज इससे पहले की कोई भी होली उसे याद नहीं है एंड ना ही उसने इस तरीके से कभी इंजॉय किया था वो बड़ा हो गया है समझने लगा है फेस्टिवल्स को कैसे मनाते हैं क्या करते हैं सो हाँ उसने बार बार ये बोला कि मुझे दिवाली से ज़्यादा होली पसंद आई एंड वो होली को लेकर के तो सुपर एक्साइटेड था और उसे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैं बता नहीं सकती उसे कितना मज़ा आया वो घर आने को रेडी ही नहीं हो रहा था सो या गाइज अगर आज का व्लॉग आपको भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एंड हैप्पी होली